आज राजधानी पटना में ऑटो नहीं चलेगी। जी हां, राज्य में आज ऑटो चालकों ने धरना देने का फैसला लिया है। जहां विपक्ष के नेताओं के द्वारा आज राज्य भर में सड़कों पर प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा, तो वहीं ऑटो चालक के संघ ने यह फैसला लिया है कि बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध मार्च निकालेंगे। भारत में जिस तरीके से महंगाई हाल के दिनों में बढ़ी है, बात करें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और रसोई गैस की, तो लगातार इसको लेकर लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। तो अब पटना ऑटो चालक के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब आज रविवार को पटना की सड़कों पर ऑटो नहीं चलाएंगे। साथ ही साथ शनिवार को बढ़ती महंगाई के विरोध में ऑटो चालकों ने पटना जंक्शन पर फैसला लिया कि आने वाले दिनों में लगातार सरकार के खिलाफ एक मुद्दा आवाज बुलंद करते नजर आएंगे। बता दें, पटना जंक्शन पर टाटा पार्क ऑटो स्टैंड में कार्यरत ऑटो यूनियन के सदस्यों ने बैठक की और बैठक के बाद फैसला लिया कि दिन के 11 बजे एक अनोखे जुलूस के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए पटना के डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया जाएगा। ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने जानकारी देते हुए भी कहा है कि जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, रसोई गैस एवं अन्य सामानों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि परिवहन उद्योग को बंद होने से कोई नहीं बचा सकता है। बता दें, लगातार ऑटो चालकों का सरकार के खिलाफ विरोध रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर ऑटो चालक परेशान हैं। साथ ही साथ सरकार ने जिस तरीके से डीजल ऑटो बंद कराकर जबरदस्ती सीएनजी ऑटो खरीदने को बाध्य किया, उसके बाद गेल इंडिया को लूटने की तैयारी करने की बात ऑटो चालकों ने कही है। इस समय बिहार में सीएनजी 93.20 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इसके ऊपर 5 से 10 रुपये लग जाते हैं, मतलब 100 रुपये प्रति किलो सीएनजी बिहार में मिलना शुरू हो गया है। अब सीएनजी एवं डीजल पेट्रोल की कीमतों में एक जैसा समान प्रतीत होता है। फिर डीजल ऑटो में 70,000 लगाकर सीएनजी किट लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऊपर से पटना में सीएनजी भरवाने के लिए ऑटो चालकों को 4 से 5 घंटे लाइन में लगनी पड़ती है। जिस तरह से ऑटो चालकों की आमदनी घटी है एवं महंगाई चरम पर है, ऐसे में ऑटो चालकों का जीवन यापन बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें, राज्य भर में ऑटो चालकों ने एक साथ मुस्त आवाज बुलंद करने की सोच ली है और अब राजधानी पटना में इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज राजधानी पटना में ऑटो चालक सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और ऑटो चालक बेहद परेशान है। पहले राज्य भर में डीजल युक्त गाड़ियों को बंद कर दिया गया और अब सीएनजी की कीमतों में जिस तरीके से उछाल हुआ है, कीमत 93 रुपये के पार जा पहुंची है और करीब 4 से 5 घंटे इंतजार के बाद भी उन्हें सीएनजी समय से नहीं मिल पाता है, काफी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है और लगातार बढ़ रही महंगाई से उनका जीवन यापन बेहद कठिन हो गया है। जिसके मद्देनजर आज राजधानी पटना में ऑटो चालकों ने धरना देने का फैसला लिया है। आज सुबह के 11 बजे पटना जंक्शन से डाक बंगला चौराहे तक विरोध मार्च निकाला जाना है। बता दें आपको, महागठबंधन राजद, कांग्रेस, माले सहित तमाम विपक्ष की पार्टियों के द्वारा आज पूरे बिहार में लगातार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उनके द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि लगातार महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में विपक्ष के नेता अब एकजुट होने को तैयार हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने को तैयार है। तो इधर ऑटो चालकों ने फैसला लिया है कि आज रविवार को पटना की सड़कों पर ऑटो नहीं चलाएंगे। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी होने वाली है। साथ ही साथ ऑटो चालकों का लगातार परेशानी जो है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ऑटो चालक अब एकजुट होने की तैयारी में लगे हैं। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।